अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिटारा ने डिसऑन कर दिया है अपने सपोर्टरों को, खुलेआम डिसऑन किया है, कम्युनिटी लगा के डिसऑन किया है। तो उसके ऊपर हम ज़रा डिटेल में बातें करेंगे। और जाहिर सी बात है, जो इससे पहले कम्युनिटी से पहले जो वीडियो आई थी, इसमें भी इनडायरेक्टली उसने डिसऑन ही किया था। बस जलेबी की तरह घुमा रही थी वो बातों को। वो एक तुक्का मार रही थी कि अगर ये वीडियो से सपोर्टर अगर मान जाते हैं तो फिर मैं इनको कम्युनिटी लगा के डिसऑन नहीं करूँगी। लेकिन अगर इन लोग नहीं मानते हैं, जैसे कि ये लोगों ने पहले ही अपनी अपनी लाइवों में बोल चुके थे कि हम अगर वो मनाएंगी तो भी नहीं मानेंगे, हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम उसके खिलाफ़ रिएक्शन देंगे, हम उसकी वीडियो में से पॉइंट निकालेंगे और जवाब देंगे, रिएक्शन देंगे। इसके लिए उसने ऐसी वीडियो बनाई जिसके अंदर इनडायरेक्ट उसने मतलब डिसऑन की। और उसने एक बोलते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारी कि कहीं जाके निशाने पे लग जाए। तो फिर वो इनको शायद कम्युनिटी लगा के डिसऑन नहीं करती, लेकिन हाँ, वो तीर अंधेरे पे नहीं लगा, वो तीर जाके निशाने पे नहीं लगा। फिर उसने खुलेआम डिसऑन की। और जो उसने कल वाली वीडियो डाली थी ना, जिसके अंदर उसने साफ उसके टाइटल और थंबनेल से ही उसने बता दी थी कि मैंने डिसऑन कर चुकी हूँ, जैसे कि उसने लिखी थी कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मेरा कोई टीम नहीं है, उससे उसने बता दी थी। फिर भी लोगों को मतलब बस बोलते हैं ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बातों को रखना होता है। तो कुछ लोगों ने समझे कि नहीं, उसने वो तो सिर्फ अट्रैक्टिव थंबनेल बनाया है, अट्रैक्टिव उसने टाइटल डाल दिया है, दिल बहलाने के लिए बोलते हैं ना, ये ख्याल अच्छा है, तो वही था। बाकी उसने तो वो वीडियो से ही कर दी थी बाकी, हाँ, ये सारी बातें। और उसके बाद में जो उसने कम्युनिटी लगाई, उसके अंदर उसने खुल के करी। और जो वीडियो में उसने, अगर आप लोग उसका फेस देखोगे ना, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अगर के वो एकदम फेयर वीडियो बनाती ना, तो उसके अंदर वो इनको बहुत ज़्यादा जलील करती, जो कि वो अंदर से ऐसी है। अगर उसका असली रूप देखना है ना आप लोगों को, तो मरियम की वो वाली लाइव देखो, जिसके अंदर है ना खालिद आमीन आया हुआ था। देखा था आप लोगों ने उस लाइव में पिटारा का मुंह? तो पिटारा असल में वो है ना, कि ये है जो वीडियो डाली। फिर भी इसने कोशिश की कि मैं मगरमच्छ के आंसू बहाती हूँ ताकि लोग उल्लू बन जाए, इसके सपोर्टर उल्लू बन जाए, लेकिन इसके मगरमच्छ के आंसू भी कोई काम नहीं आए। और ये जो लगी है ना कम्युनिटी, ये पहले से ही लगाना तय था, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इसको रातों रात कुछ भेजा गया है, रातों रात कोई वॉइस भेजी गई है, कोई वीडियो भेजी गई है, तब जाके ये कम्युनिटी लगी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कम्युनिटी पहले से ही लगनी थी, ये लिख के रखी थी इसने, बस लगाना बाकी था। बाकी अगर लोगों को ये लग रहा है कि वॉइस भेजी गई है तब जाके उसने लगाई है, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, इन वॉइसों से वगैरह वगैरह से ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको अपना काम निकालना होता है। वॉइस तो बहुत पहले भी लीक हुई थी, आप लोगों को याद है, इसकी जो सपोर्टर है जो सऊदी छोड़ के आई है, उसकी वॉइस लीक हुई थी, जिसके अंदर वो बोल रही थी कि ये फटे हुए कपड़े पहनी थी, ये लोग किसी के भी नीचे सो जाते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो बेटी का बाप कोई और है, और क्या इसके बच्चों के सर में जुएं भरी हुई है, किसी से नहीं छुपी है वो वॉइस। तो अगर इसको इतना ही अगर इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती है, तो वही टाइम पे वो बंदी को वो डिसऑन कर सकती थी, लेकिन उसने कोई डिसऑन नहीं की। उसके बाद में डीडी की भी वॉइस लीक हुई, जिसके अंदर वो उसको उसकी माँ को गालियाँ दे रहा होता है। उसके बाद में फिर उसको ईदी भेजी गई, उसके बच्चों की बर्थडे में जाया गया। तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई वॉइस वगैरह इसको मिली और फिर इसने डिसऑन की, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं हजम हो रही है। जाहिर सी बात है, ये औरत हमेशा सभी को यूज़ एंड थ्रो करती है, तो बस यूज़ हो गई भाई, इसका 1 मिलियन हो गया, जो काम पूरा करना था वो पूरा हो गया, सारा ड्रामा जैसे उसने स्क्रिप्ट लिखी थी वो हिसाब से हो गया, ख़त्म हो गया भाई, नहीं है ज़रूरत। 2-3 बार उसने कम्युनिटी लगा दी कि अब सपोर्टरों की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग अच्छे चल रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो भी कोई नहीं माना। तो फिर उसको बहाना मिल गया कि चलो अब तो बहुत अच्छा बहाना है, तो मैं अब इनको डिसऑन करती हूँ। तो समझ आई आप लोगों को ये सारा जो वॉइस का और जो प्रूफ का जो बातें हो रही है ना, कि रातों रात उसको कुछ भेजा गया है, और ये वाली टीम ने भेजी है तो वो वाली टीम ने भेजी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सी ताज़ा
तवज्जो जरूर देना कि इन सब चीज़ों से उसको इफ़ेक्ट अगर होता ना तो ये बहुत पहले ये डीडी को भी डिसऑन कर देती, वो बंदी को भी डिसऑन करती, और भी लोगों की वॉइसें लीक हुई है जो उसी की गोदी में बैठे हुए थे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना था। तो इसके लिए उसने वो टाइम पे डिसऑन नहीं की ना, इसका मतलब है कि उसको नहीं फ़र्क पड़ा। बाकी आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ महीना पहले ही बोल दी थी कि ये जो सपोर्टर है ना, इनको ये हटाना चाहती है, ठीक है, ये अपने एक एक सपोर्टरों को हटाना चाहती है और ये हटाएंगी। अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हो ना तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये बात बहुत पहले बोल दी थी कि ये अपने सपोर्टरों को हटाना चाहती है, ये बहाने ढूंढ रही है किसी ना किसी तरह से हटाने के। बस वो बहाना उसको मिल गया और उसने हटा दी। और आज एक बात और बोलती हूँ, आप लोग लिख के रख लो, याद रख लो कि जिसको अभी ये सिस्टर बोल रही है, जिनको इसने अभी ऑन की है ना, इनको भी ये एक दिन डिसऑन करेंगी, इनको भी ये जलील करेंगी, क्योंकि ये औरत की हिस्ट्री रह चुकी है। आप लोग इसके शुरू से लेके आज तक के वीडियो देख लो, इसकी जर्नी देख लो आप लोग। बहुत सारे लोग इसकी लाइफ में आए, जो इसकी कोई अम्मा बनी तो कोई बहन बनी, तो कोई सपोर्टर बना तो कोई क्या बना, तो कोई क्या बना, कोई है अभी तक उसकी लाइफ में नहीं है ना। सभी को ये यूज़ करती जाती है, पीछे छोड़ती जाती है, यूज़ करती जाती है, गंदा करके पीछे छोड़ती जाती है। तो ये जो अभी दो तीन जने को इसने ऑन की है ना, इनको भी ये नहीं रखेंगी, बहुत जल्दी इनको भी डिसऑन करेंगी। जब कोई नया मिलेगा ना तो इनको छोड़ देंगी ये, क्योंकि अभी उन लोगों से जाहिर सी बात है इतने काम निकल रहे हैं। और जो इसने बोली है ना कि मैं मतलब लीगली ये लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा पैसा बहुत बड़ी चीज़ है इनके ख़ानदान में, और ख़ास करके पिटारा के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। बस पैसा आने का उसको रास्ता चाहिए, और वो रास्ते के ऊपर जो भी उसको सपोर्ट करेगा ना वो उसके साथ है। पैसा आने का रास्ता चाहिए, और आप लोगों को मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि वहाँ से उसको पैसा किस तरह से मिल रहा है। इस्लामाबाद जाने के बाद में 6 महीने के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी ले लेना, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ ले लेना, फार्म हाउस ले लेना, और बहुत सारी चीज़ें उसने खरीदी है। कितनी बार गिनवाऊँ, हाँ, कितनी सारी चीज़ें उसने ली है। इतना बड़ा प्लॉट, जो 11 करोड़ का प्लॉट है खाली, अभी उसके ऊपर ये 10-11 करोड़ रुपए बोल रही है कि मैं लगा के घर बनाऊँगी। पता नहीं यार कितने लगाएंगी, ये पीछे से तो यही बात की है कि करोड़ों लगा के मैं वो घर बनाऊँगी वहाँ पर, ड्रीम हाउस। तो सोचो कि चैनल से ज़्यादा पैसा आ रहा है ना, जहाँ पे अब वो लगी है ना वहाँ से इसको चैनल से ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो वो क्यों इन लोगों को चाटेंगी, चैनल से इतना नहीं आ रहा है जो इसने बोली है ना कि मेरा काम तो बस यही है कि मैं चैनल से कमा रही हूँ। ये झूठ बोली है, और ये सारी बातें भी खुलेंगी एक ना एक दिन, इंशाल्लाह ज़रूर खुलेंगी। तो इसको चैनल से पैसा नहीं आ रहा है, इसको है ना दूसरी जगहों से पैसा आ रहा है। अगर ये आज चैनल बंद कर देती है ना तो भी ये इसी अय्याशी में ज़िंदगी निकालेंगी, क्योंकि ये पहले से ही निकालते आ रही है अय्याशियों में ज़िंदगी। अभी तो और ज़्यादा उसके पास में आ गया है, और ज़्यादा अय्याशी कर सकती है, कर रही है। जैसे कि इतने सारे घरों के रेंट आना, ठीक है, प्लॉटों के रेंट आना, वो जिसमें वकारी लोग रहते हैं वो बिल्डिंग भी इसकी है। इतनी सारी कार ये जो दिखाई है ना, इससे डबल कार ये ले चुकी है, जो कि दिखाई भी नहीं है इसने। अभी जो काली वाली गाड़ी है, जो बोल रही है ना कि ये बेचूंगी दूसरी लूंगी, तो ये बेचेंगी नहीं, ये जहाँ से लाई है ना इसका खुद का ही, जहाँ पे इसकी मतलब अच्छी खासी गाड़ियाँ इसकी ना रेंट पे चल रही है, वहाँ के रेंट आना, गांव के घरों के रेंट आना, ठीक है, ये सारी कोई चीज़ें। फिर ये जो 2 नंबर का काम कर रही है, पार्लर में जाती है पैसा लेने, वो सिर्फ एक पार्लर नहीं है, बहुत सारी जगहों पर इसका वो काला धंधा चल रहा है। फिर वो कोर्ट वाले के साथ में ये जो अभी इसका चल रहा है ना, वहाँ से इसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। तो भाई सारा खेल ही पैसे का है, ठीक है। चैनल से जो इसने कल वीडियो में बोली है ना कि मैं चैनल से कमा रही हूँ, मेरी इनकम का जरिया तो सिर्फ चैनल है, तो ये झूठ बोली है। चैनल है ना सिर्फ मग्गे के जितना उसको कमा के दे रहा है, दरिया के जितना तो कहीं और से ही इसकी कमाई हो रही है। तो इसके लिए अब उसको सपोर्टरों की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो जान इसको ऐसे भी छुड़ानी थी अपने सपोर्टरों से, वैसे भी छुड़ानी थी, तो उसने जान छुड़ा ली। अब इसने कम्युनिटी क्या लगाई, मेरा इतना दुखाया है दिल, हाँ दिल दिल दुखाया है कि आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि हेटर ने जितना दुखाया होगा दिल मेरा, जितना सपोर्टर बन के
पीठ पीछे मेरी बुराइयां करके दुखाया है, वही आप सब वीडियो बना के मुझे गंदा कर देते तो एक ही दिन तकलीफ होती और आदत हो जाती। मुझे आज सच में पता चल रहा है कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, ये सब दिखावा है। आप सब का बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। अगर आप सब ने करा मुझे कोई सपोर्ट प्लीज़, अब आप ना करें मुझे कोई सपोर्ट प्लीज़। जहाँ इतना अजाब ज़िंदगी से गुजार लिया गया, फिर आज तो गुजार लूँगी। मुझे ये तकलीफ़ ना दे मजीद, मेरा साथ अच्छा बन के मुझे गंदा कर रहे हैं। फ़र्क इतना है, जो हेटर है वो फ्रंट पर आकर हेट करते हैं, आप बैक कैमरे पे कर रहे हैं। मेरी लाइफ पहले बहुत दर्द से गुजरी है और ना दे जिनको अपना बोला उनकी जबान ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, अल्लाह है बस, और मैं काम करूँगी अपने सब्सक्राइबर के लिए डेली। जो सच में दिल से जुड़े हैं वो मुझे देखेंगे, मेरी मेहनत होगी, अल्लाह उसका फल देगा। जितना मेरे नसीब में होगा वही मिलेगा। बहुत दिल तोड़ा है ये सुन के जो कैमरे पे इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे वही बैक कैमरा इतना बुरा बोलते हैं। तोड़ दिया है मेरा दिल, बस अब किसी पे यकीन नहीं। यहाँ सच में कोई किसी का नहीं होता, सच में कोई किसी का नहीं होता। मैं पहले भी अकेली थी, आज भी मैं अकेली हूँ और आज मैं सबको डिसऑन करती हूँ। देख लो कितनी ज़्यादा ये सेल्फिश औरत है, ये बोल रही है मैं पहले भी अकेली थी। अब आप लोग खुद बताओ कि ये कब अकेली थी। पूरा ख़ानदान इसके साथ, इसका हस्बैंड इसके साथ, इसके बच्चे इसके साथ, सारे सपोर्टर इसके साथ, फिर भी ये यहाँ पे सिंपैथी ले रही है कि मैं पहले भी अकेली थी, मैं आज भी अकेली हूँ। पिटारा इसीलिए दिल दुखता है कि तू इतना झूठ बोलती है, तू इतनी नाफरमान औरत है। अल्लाह करे ना दुनिया में तू अकेली रह जाए, तेरे बच्चे भी तुझसे छिन जाए, तेरा हस्बैंड भी छिन जाए सपोर्टरों को। तो वैसे ही तूने अब कर ही दिए रिश्तेदारों से, जो तू छुप छुप के मिलती है ना उनसे रिश्ता रखती है, वो भी अल्लाह करे तुझसे दूर हो जाए। इतनी कोई तू बेगैरत औरत है, इतनी कोई तू नमक हराम औरत है ना कि तू यही बातें कर सकती है। रही बात के पीठ पीछे तुझे बोलते थे तो वो सारी वॉइसें जो लीक हुई थी वो टाइम पे तुझे इस बात का दुख क्यों नहीं हुआ कि लोग तेरे पीठ पीछे बातें करते। हमने तो बहुत बार बताया है कि तेरे सपोर्टर तेरे पीठ पीछे तुझे जेड भी बोलते हैं। सबको पता है कि तूने ये सारा गंदा काम किए, तू गलत औरत है, तू नालायक औरत है, सबको पता है और सब जने अकेले में डिस्कस भी करते हैं और ये बात तुझे अच्छे से पता थी। तो अब जाके दुख कैसे हुआ तुझे? और ये जो ये बोल रही है मैंने मेरी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ झेली हूँ, बड़ा दुख झेली हूँ, तो आप लोग खुद बताओ कि 2 साल से तो आप लोग खुद ही दो क्या बल्कि ज़्यादा ही हो गया है, 3 साल होने को आया है, 3 साल से तो ये सिर्फ और सिर्फ अय्याशियाँ ही दिख रही है आप लोगों को। तो दुख कब झेलिए? जब ये अपनी पुरानी वीडियो दिखाती है, सॉरी पिक्चरें दिखाती है, उसके अंदर आप लोग देखो, इसके कपड़े देखो, इसके बच्चों के कपड़े देखो, इसका जो सबसे पहला घर था वो घर में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी कमी थी? हाँ, हर एक चीज़ इसके घर में थी, तो किस चीज़ का दुख झेली है भाई? क्यों सिंपैथी लेती है झूठ बोल के कि मैंने दुख झेली हूँ? और इतनी ये बेफिरावन है, इतनी ज़्यादा मतलबी है कि ये अपने सपोर्टरों को डायरेक्ट बोल दी कि कोई किसी का नहीं होता। अरे भाई, जो लोग तेरे लिए रात रात भर रोए है, जो तेरे लिए गालियाँ खाए है, जो लोगों को गालियाँ दे के बद्दुआएँ लिए, हाँ पता नहीं किस किस की कैसी कैसी हालत हुई, आज तू उनको बोल रही है कि कोई किसी का नहीं होता। बाप रे, मतलब इतनी नमक हराम औरत। मैं बोलती हूँ ना कि ये लोग जो बैठे थे स्टैंड लेके कि सलमान ने अपने सपोर्टरों को डिसऑन कर दी, सलमान ने बहुत गलत की, मतलब ये औरत है, सलमान तो नमक हराम है, तो सलमान ये, तो सलमान वो, कम से कम सलमान ने जलील तो नहीं की अपने सपोर्टरों को। वो तो अपनी माँ की इज्जत रखने के लिए पीछे हटी और सबका थैंक यू बोल के वो पीछे हटी, ना कि सबको इस तरह से जलील की कि तुम लोगों ने पीठ पीछे मुझे गालियाँ दिए,
तुम लोग मेरे नहीं हो, तुम लोग किसी के नहीं हो सकते, कोई किसी का नहीं हो सकता, मुझे तो हर बार धोखा ही मिलता है, ये सब तो बोली ही नहीं सलमा ने। इसीलिए बोलती हूँ दोनों बहनों को ना कंपेयर करो, जो आज भी तुम लोगों को गलत फहमी है ना कि दोनों बहनें मिली हुई है, सलमा ने ये की वो की, तो कंपेयर करो, सलमा इससे ना करोड़ों दर्जे अच्छी है। सलमा ने ऐसा कोई गंद नहीं की है जो इसने की है। और अगर सलमा को तुम लोग गलत बोलते हो ना तो प्रूफ के साथ बोलो, क्योंकि सलमा की ही बददुआएं लगी है, जो वाइटी पे हो रहे ना ये सलमा का सबर है, सलमा का सबर खा गया, चाहे वो सपोर्टर हो चाहे पिटारा हो, सबको सलमा का सबर खाया है। जब वो हटी थी ना तो वो ये बोल के हटी थी कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त बताएगा कि ये कितनी अच्छी है, और देखो वक्त ने बता दिया। तो किसी की भी इसीलिए बोलते हैं ना, हाय नहीं लेना चाहिए, बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। आप लोग अपनी आंखों से देखो, कानों से सुनो, एक बार वो बंदी से भी बात करने की कोशिश करो, उसके बाद में करो। लेकिन यहाँ पे तो ये सारी बातें बनती ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने आंख से देखे थे, कानों से सुने थे, सच्चाई पता थी, पर्दा डाल रहे थे। जैसे कि मैंने एक रील डाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, उसके अंदर है ना कहानी है कि मैंने है ना नाक को पाला, और मैं बहुत प्यार करता था, जब तलक के मैं नाक को दूध ना पिला लेता तब तलक के मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे को सुकून नहीं आता था। मैं पहले उसको खाना खिलाता था, पेट भरता था उसका, उसके बाद मैं खाता था। इतना प्यार करता था कि जैसे कोई सगी औलाद से करता है ना, इतना प्यार वो नाक से करता था। लेकिन एक दिन है ना नाक ने उसको डस लिया, तो मरते टाइम पे वो आदमी ने पूछा कि मैंने तो तुझे इतना प्यार दिया, अपनी औलाद की तरह तुझे प्यार दिया, तूने मुझे क्यों डसा? तो नाग ने बोला कि मेरी फितरत है, मेरी फितरत है, मैं डसूंगा ही डसूंगा। उसी तरह से पिटारा की फितरत है, वो कभी किसी का एहसान नहीं मान सकती है, वो कभी किसी के साथ नहीं रह सकती है। सोचो जो बंदे सेकेंड लव मैरिज से उसको सपोर्ट करते करते आ रहे हैं, आज जाके ये बोल रही है कि कोई किसी का नहीं होता, मैं अकेली थी अकेली हूँ, ऐसे बोल रही है। सोचो कितनी ज़्यादा नमक हराम औरत और कितनी बेशरम औरत है ये। और इन लोगों को मैंने बार 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 एक बात बोल चुकी हूँ कि ये बंदी जो अपनी सगी बहन की नहीं हुई, अपनी माँ की नहीं हुई, ये किसी की नहीं हो सकती है। ये बात के ऊपर आप लोगों को यकीन नहीं आता था, अब आ गया होगा। आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूं कि ये अपने बाप की भी नहीं हुई थी, इसके बाप के गुजरने में इसी का हाथ था, इसके बाप है ना इसके वजह से मरा है। ये सारी चीज़ों पे भी ना आप लोग है ना तहकीकात करो, आप लोग खुद एग्री करोगे कि हाँ शबनम ने सही बोली थी। और एक बात कि सलमा के साथ में इसने सच में गलत की है, सच में की है। हाँ तो मैं बात ये बोल रही थी ना कि तुम लोगों को जब पता था कि बंदी गलत है फिर भी तुम लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो वही बात है ना नाग वाली बात, कि तुम लोग गलत को देख के भी पर्दा डाल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो वो औरत तो अपनी बहन के साथ में जब गलत की तुम लोग पर्दा डाल रहे हो, तो वो अपनी बहन को नहीं छोड़ी है तो आप लोगों को क्या छोड़ेंगी? ये बहुत मतलबी परस्त औरत है भाई। देख लो हस्बैंड को छोड़ने जा रही थी किसी और मर्द के लिए, लेकिन इसने देखी पैसा आने लगा है तो नहीं छोड़ी वो हस्बैंड को। तो सोचो कितनी मतलबी, कितनी लालची, पैसे की भूखी औरत है ये। अगर आज ऐसा हो जाए ना सिर्फ और सिर्फ चैनल से पैसा आए, ये घर गाड़ी बंगला और जहाँ से इसको आ रहा है ये सब बंद हो जाए ना, रेंट आना सब जगह पे, ये फिर से आके आप लोगों के पैर चाटेंगी कि नहीं तुम लोग मेरे सपोर्टर हो। तो लिख के रखो ये सारी बातें है ना, ध्यान में रखो, एकदम याद रखो, ये बंदी है ना सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूखी है। जो औरत पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच सकती है वो पैसे के लिए क्या नहीं कर सकती है। जो औरत ने पैसों के लिए अपने खानदान वालों को गालियाँ खिलवाई, अपने ससुराल वालों को गालियाँ खिलवाई, एक बेगुनाह औरत जो कौसर थी उसको बदवाएँ दिलवाई, गालियाँ खिलवाई, अपनी सगी बहन को इसने गालियाँ खिलवाई जबकि गलती इसकी थी, लेकिन गालियाँ बद्दुआएं, बच्चों को बद्दुआएं, गालियाँ उसको इसने खिलवाई, हर चीज़ इसने पैसे के लिए। जब ये किसी खानदान वालों को नहीं छोड़ी, किसी की इज्जत का इसको ख्याल नहीं आया, तो आप लोगों को सच में ये नहीं जानती है पर्सनल, तो ये आप लोगों के अपनी हो जाएंगी। अरे ये किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती ये औरत। अब सोचो कि ये बात छोटी है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे चुगलियाँ करते थे, मेरे लिए गंदा बोलते थे, ये
हेटर तो फिर भी मुंह पे कर रहे हैं। तुम लोग तो बैक कैमरा करते थे, ये छोटी बात है, ये तो खुल्लम खुल्ला तुम इल्ज़ाम लगा रही हो, एलिगेशन लगा रही हो कि तुम्हारे पीठ पीछे ये लोग गंदा करते थे। मतलब कि ये जो इसकी ऑडियंस है ना, उनको भड़का रही है अपने सपोर्टरों के लिए कि इन लोग मेरे पीठ पीछे ना मेरे लिए बहुत गंदा कर रहे थे, ये उनके लिए है ना गेम कर रही है, और आगे और करेंगी। आप लोग देखना आने वाले दिनों में होता है क्या। रही बात प्रूफ की कि इसको कौन सी वॉइस मिली है, इसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तो ये तो हर किसी से बात करती थी डायरेक्ट, तो ये किसी से भी नहीं करती, अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझती है, तो ये गोंचू के थ्रू तो हर किसी से बात करती थी, तो फिर डायरेक्ट उसको ही पूछ लेती कि भाई तेरी मेरे पास में वॉइस आई है, तूने ये बोली तूने वो बोली। जब उन लोग वाइटी पे बैठ के तेरे ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर पीछे की वॉइस वाली बात ही क्यों की है तूने। मतलब कि तू भड़का रही है ना अपनी ऑडियंस को, भड़का रही है कि लोग मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोले। अगर तेरे में हिम्मत थी ना, तू नाम लिखती ना कि इसकी मेरे पास वॉइस आई है, इसने ये बोली है उसने वो बोली है, बना वीडियो कर एक्सपोज उनको। जब उन लोग वाइटी पे बैठ के तुझे इतना गंदा बोल रहे हैं तो तू उस बात को इग्नोर कर रही है कि इन लोगों ने लाइवे लगा के मुझे गंदा बोले ये बोल देती, लेकिन इसने ये नहीं बोली, इसने बोली कि पीठ पीछे इन लोग मेरे पीठ पे छुरा घोंप रहे थे। तो ये किसको भड़का रही है? ऑडियंस को, जो इसकी ऑडियंस है ना, ये उनको रोक रही है कि जाके उन सपोर्टरों को मत देखो, उनको अनसब्सक्राइब करो, जैसे ये अपनी बहन के लिए कर चुकी है, जैसे ये बहुत लोगों के लिए कर चुकी है। ये डायरेक्ट नहीं बोलती आके कि अनसब्सक्राइब करो मत देखो, ये इस तरह से गेम करती है, इस तरह से बोलती है कि अनसब्सक्राइब करो, ये लोग मेरे लिए खड्डा खोद रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को, इतने गंदे गंदे गेम खेलती है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। लेकिन इतना याद रखना, अभी तो तू और आगे बढ़ने वाली है, तेरे पास और पैसे आने वाले हैं, हमें सब पता है। लेकिन इतना याद रखना, दगा किसी का सगा नहीं है। जैसे जैसे तू लोगों के साथ में दगे कर रही है ना, इंशाल्लाह एक ही बार में अल्लाह तेरी रस्सी खींचेगा और तुझे सारा कुछ है ना एक ही बार में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।